माँ सरस्वती की आराधना में डूबा पूरा इलाका। रंगरा में 150 जगहों पर माँ सरस्वती की प्रतिमा को किया गया है स्थापित। मंगलवार सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पूरा इलाका माँ सरस्वती की आराधना में डूब गया था। मालूम हो कि रंगरा चौक प्रखंड में 150 से भी अधिक जगहों पर माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापना कर पूजा अर्चना की जा रही है। प्रखंड के भवानीपुर मंदिर में सोमवार देर रात प्रतिमा स्थापना की गई। सुबह मंदिर प्रांगण में मेले का भी आयोजन किया गया था। आयोजन मंडल के सदस्यों ने बताया कि इस अवसर पर कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें कुश्ती का दंगल प्रोग्राम मुख्य आकर्षण है। पूजनोत्सव में समस्त ग्रामीणों की भागीदारी है। खबर 30 सेकंड के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। वाणी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। बबलू मंडल हत्याकांड मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने कटिहार के कुर्सेला गांव में छापेमारी कर बबलू मंडल हत्याकांड में फरार आरोपी अशोक मंडल को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए रंगरा थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मारपीट मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने मारपीट मामले में फरार चल रहे आरोपी रंगरा निवासी जोगी मंडल के पुत्र बबलू मंडल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष महताब खान ने बताया कि बबलू मंडल मारपीट सहित संगीन आरोपों में वांछित था। तिनटंगा दियारा के सिमरिया गांव से 18 लीटर देशी शराब के साथ पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने तिनटंगा दियारा के सिमरिया गांव में छापेमारी कर 18 लीटर देशी शराब के साथ गांव के ही लागो मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि लागो मंडल खुद देशी शराब का निर्माण करता था और प्रत्येक ग्लास 25 रुपये की दर से बिक्री करता था। रंगरा के थानेदार अवर निरीक्षक महताब ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रंगरा पुलिस ने एक साथ चलाया मास्क और वाहन जांच अभियान। 900 रुपये जुर्माने की हुई वसूली। रंगरा पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर एक साथ वाहन और मास्क जांच अभियान चलाया है। जांच अभियान में पुलिस ने मास्क नहीं पहने कुल 8 लोगों से 400 रुपये और ट्रैफिक कानून का उल्लंघन कर रहे एक वाहन चालक से 500 रुपये जुर्माने की राशि वसूल की है। थानाध्यक्ष महताब खान ने जानकारी देते हुए बताया कि रंगरा प्रखंड के रंगरा चौक भवानीपुर टावर चौक कुमादपुर थाना चौक पर वाहन और मास्क जाँच अभियान चलाया गया था। आज की खबर में बस इतना ही। धन्यवाद। लगातार अपने क्षेत्र की खबर जानने हैं तो GS न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर कमेंट जरूर करें।